इंडिया खा के मजा आ गया। और खासकर जब वो चीज इमली की हाथ की हो तो फिर मजा ही आ जाता है। ऐसी चस्केदार खाना जायके का खाना बनाती है बहुत ही ज्यादा। आज का खाना बहुत अच्छा था मगर थोड़ी सी ना मतलब मैं ब्राई नहीं कर रही मगर थोड़ी सुखी सुखी सी हो रही थी, पता नहीं क्यों। लगता है जब बनी होंगी ना भिंडिया तो बबली ले लेकर फ्रिज में रखती होंगी, तभी तो ऐसी सुखी सुखी सी भिंडिया हो रही थी। मगर बहुत अच्छी थी, मजा किया खा के। चलो पेट पूजा हो गई तो आराम भी कर ले। वैसे भी अच्छा हुआ चाशनी वहां गई भी रच जोगे। सब पेट में दर्द हो गया, ये गैस तो नहीं हो रही। सोने की कोशिश कर रही हूँ मगर नींद ही नहीं आ रही। चलो थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ मैं। ये दर्द इतना जोर से हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। चलो एक काम करती हूँ, चाशनी रज्जू के घर को गई हुई है, फोन करके बुला लेती हूँ। निकम्मी किसी काम नहीं आई आज तक, रासी दवाई तो दे देगी मुझे। हाय रज्जू फोन क्यों नहीं उठा रही, मेरी तो रोज दर्द हो जा रही है, काम रही भी है। हाँ हेलो सलामकुम रज्जू, कैसी हो? ठीक हो? हाय मेरी हालत ठीक नहीं है जी, ऐसे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है गैस की वजह से हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि मैं जरा उसमें कमरे में पड़ी हुई हूँ, तो सर मेरी बेटी आई होगी तुम्हारे घर को खेलने, है खेल रही होगी, तो सर उसको भेज दो कि ना उसकी अम्मी बुला रही है। हाँ जल्दी भेज दो। ओए हल्लो कहाँ मर गई, आ गई बेटा तू? ला 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 ला। मम्मी जल्दी बोलो क्यों बुला लिया मुझे? पता है मैं ना वहाँ पे खेल रही थी रज्जू आंटी के घर। मिल गई तुझे आखिर खेल से फुर्सत? अब अगर तेरा पूरा खेल हो गया हो तो जरा अपनी अम्मा को इस दुनिया से जाने से पहले मिल ले। चल ठीक है, अच्छा करा तू अपनी अम्मा के इस दुनिया से जाने से पहले आ गई, मिल लेगी अब तू अपनी अम्मा से, है ना? हाँ और अंकल ने ना गरम गरम समोसे लाए थे, अंकल रज्जू आंटी ने मंगवाए थे मेरे लिए, मैंने 4 समोसे खा लिए थे खाली और 5 खा रही थी, आपने बुला लिया। जल्दी बोलो क्या कह रही हो? क्या समोसे खा रही थी? बहुत अच्छे। हाँ अब तू यहाँ पे, मैंने तुझे बुला लिया, अब तेरे समोसे इंतजार कर रहे होंगे, हैं ठंडे हो गए होंगे। चल कोई नहीं, मुझे जरा सी क्या बोलते हैं दवा ला दे, फिर मैं मर जाऊंगी ना तो फिर आराम से रज्जू आंटी से गरम करने को कह दी, वो गरम करके तुझे खिला देंगे, ठीक है? तब खा लियो। मेरे लाल मेरे कलेजे के जले पिटे छिलके। बस मम्मी बस, अब इतनी सारी खुशी मुझे एक साथ मर दो वरना मैं जीती जी पूरी नौटंकी हो रही है। ये बताओ काम क्या है? मेरा चांद अपने मुद्दे पे आओ, अपनी अम्मा को दवा तो ला के दे। आप इससे आलसी कब से हो गई? वैसे तो मुझे कहती रहती हो आलसी हुई हूँ मैं। हाय अल्लाह सिर्फ इतने से काम के लिए यहाँ से उठकर दूसरे कमरे से जाकर दवा लाने के लिए आपने मुझे रज्जू आंटी के घर से बुलाया, 4 समोसे खाए थे खाली मैंने, एक और खाने वाली थी और आपने मुझे बुला लिया। एक समोसा छोड़ के आई हूँ पूरा मैं, एक समोसे की कीमत आपके जानो मम्मी बाबू। अरे मेरे बच्चे अगर इस दर्द में मैं उठ पाती तो तुझे हलक फाड़ फाड़ के इस दर्द भरी हालत में क्यों बुलाती मैं? अभी तक तो मैं दवा खा के आराम से लेटी हुई होती। ओ मम्मी आपकी इतनी तेज दर्द हो रहा है कि आप इधर कमरे से उधर कमरे नहीं जा सकती हो, और अगर मैं आपको दवाई नहीं दूंगी तो आप खुद उठ के नहीं जा सकती। हाँ मेरे बच्चे हाँ, किस जबान में तुझे मैं समझाऊं कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, वरना मैं खा लेती अभी तक दवा, वरना मैं तुझे क्या बोलते परेशान थोड़ी ना करती। आई सी, ये तो बहुत अच्छा मौका है कुछ मांगने का। यस मम्मी अगर मैं आपको दवा ला दूं और आप वो दवा खा लें और फिर सही भी हो जाए तो इस सब खिचड़ी में मेरा क्या फायदा? हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल सही मौका है, या अरे यही तो मौका है, इतनी देर से तू खड़ी भी वहीं पे यही तो सोच रही है ना कि मैं अपनी अम्मा से क्या उसमें बदले में लूं, है ना? बहुत सही सोच रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है।
यहाँ पे तेरी अम्मी मरी जा रही है दर्द से, और तू सोच रही है कि मैं बदले में क्या लूँ, है ना? यही तो तेरी अच्छी बात है, खूबी तेरी। देख देख, मैं यहाँ पे इंतजार करने जा रही हूँ कि दवाई कब लाएगी, और देख मेरे वहाँ पे मौत के फरिश्ते भी खड़े हुए, देख तेरे पीछे ही खड़े हुए। मेरे पीछे? नहीं, तुझे ना ले जाए मेरे बदले, उठाकर काम कर जा, पिराव पटेगी ना ऊपर अलमारी पे, वो रखे हैं कागज पेपर रखेंगे पेपर, जा मैं जरा जल्दी से साइन कर देती हूँ। हाँ, ना खप्पू को मिले ना किसी और को, तेरे नाम हो जाएगा सब कुछ। हाँ जल्दी ला, मैं जल्दी साइन कर दूँ, तेरे नाम हो जाएगा सब कुछ। पता नहीं किस पे जा रही है तू, बहुत अच्छे काम कर रही है। गुड आइडिया, फिर तो मैं इस घर की रानी बन जाऊंगी, पूरे घर पे राज करूंगी, फिर तो मजा ही मजा, फिर तो मजा ही मजा, हो मजा ही मजा। अभी लेके आती हूँ। चुप कर बदतमीज नालायक, या ला ये कैसी औलाद है मेरी, किसी दिन मैं इस दर्द से तो मरू ना मरू, इनकी हरकतों से किसी दिन जरूर मर जाऊंगी। जो दवा लेके मेरे लिए, फिर मैं ना दवाई ले आती हूँ जल्दी से, मगर मुझे ना एक चॉकलेट चाहिए, वो भी बड़ी वाली, बड़ी ही चाहिए मुझे, कभी 2 रुपए की टॉफी ला दो, ठीक है ना? यस, चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। मम्मी, आप तो रोज रोज बीमार क्यों नहीं पड़ती, आपकी बेटी है ना, रोज रोज चॉकलेट मिलेगी। चिंक 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 चिंक, तमीज कहीं के। हेलो, ये कैसा दर्द हो गया, ये मुझे अब गैस का दर्द तो नहीं लग रहा, पहले जितनी बार हुआ इतनी देर तक तो नहीं हुआ। हाय, अब क्या करूं, कहीं मैं इस दर्द से ही ना मर जाऊं। हेलो, हाय, इतनी जोर जोर से हो रहा है, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ खाली भिंडियां खाई थी, कहीं कुछ भिंडियों में तो इन्हें मिला हुआ था, और सूखी सूखी भी हो रही थी भिंडियां। हाय, जरूर कोई भिंडी में अगर गड़बड़ हुई तो, हाय, या फिर मेरी लिवर बॉडी में कुछ परेशानी हो गई तो, हाय ला मैं क्या करूंगी। दवाई खा कर देखती हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई चाशनी, अभी तक मेरे लिए दवाई ही नहीं आई, उसकी अम्मा मर जाएगी। हाय, मैंने तो सुना लिवर की उसमें पिराबलम सही ही नहीं होती। हाय अल्लाह, ते पैसे लग जाएंगे उसके अंदर। पेट दर्द की दवा कहाँ है, पेट दर्द की दवा कहाँ है, पेट दर्द की दवा, ओ ये रही, ये तो चूहे मारने की दवा है। चूहे मारने की दवा, क्या सोच रहे हो आप लोग कि मैं अपनी मम्मी को ये चूहे मारने की दवा खिलाकर मार दूंगी, चूहे की मौत मार दूंगी? तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि अपनी मम्मी को इस चूहे की मौत की मारकर जेल चली जाऊं, आखिर मेरा घर जेल से तो अच्छा ही है। अब मैं पेट दर्द की दवा ढूंढती हूँ, मिल गई पेट दर्द की दवा। आप लोग भी ना कुछ भी सोचते हो। अरे कहाँ मर गई, आ भी जा, आ गई, मुझे तो लगा था कि प्रॉपर्टी के कागज ही लेने पहुंच गई। अब दे भी थी मुझे अपनी अम्मा को दवा, ये लो मम्मी पेट दर्द की दवा। अरे अरे दे भी दे, और याद रखना बड़ी वाली चॉकलेट। अच्छा सुन इतना, क्या है मम्मी, मुझे समोसे खाने जाना है, ये उस पार तो ना है, उस पार, उस पार, अरे मैं कह रही हूँ कि ये उस पार तो ना है, क्या उस पार? हैला, आजकल के बच्चे तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं ट्यूशन जा जाके, मुझसे पढ़ लिया कर, घर में इंग्लिश आती ही नहीं है जरा से बच्चों को, मैं ही पढ़ा दूंगी अब से तुझे, पैसे बर्बाद कर रही है। अरे इससे होती है ना एक तारीख, खा के मरूंगी तो नहीं मैं, अरे दवा है खा लो, पार तो ना है, छो रजवाड़ी में समोसे खाने आ रही हूँ। चलो
पेट का दर्द तो और ही बढ़ते जा रहा है, दवा भी खा ली। ऐसा तो नहीं है कि दवा उस पार ही हो? हाँ, कभी चाशनी की बच्ची ने मुझे जानबूझ के खिला दी हो कि अम्मा मर जाएगी। हाय, दर्द तो बढ़ा ही जा रहा है, मैं क्या करूंगी? हाय अल्लाह, एक काम करती हूँ, बबली को ही बुला लेती हूँ। दोस्त बनाते किस लिए हैं? ऐसी वक्त पे तो काम आते हैं दोस्त, और किस लिए होते हैं हमारे दोस्त? हाय अल्लाह, चलो बबली को ही बुला लेती हूँ। भाई मुझे देख लो, मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ। हाय अल्लाह, हाय बबली, हाय अल्लाह, ऐसा दर्द हो रहा है। हाय हाय बबली, फोन उठा ले, फोन उठा ले। हाय, यहाँ पर रिंग 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 हो रही है उधर, और इधर मेरे पेट में रिंग रिंग मची जा रही है। बबली फोन क्यों नहीं उठा रही? इतनी देर हो गई मुझे करते हुए। हाय उठा ले। हाय नहीं 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 नहीं, 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 मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं तो अपनी फ्रेंड से कही हूँ, मेरी तो अभी जीने की ख्वाहिश है बहुत। अभी तो मैं जीना चाहती हूँ भाई, इतनी जल्दी मैं मरना नहीं चाहती। अभी तो मुझे अपने खप्पू की शादी करवानी है और उसकी निकम्मी की शादी करवानी है। अभी मैं मरना नहीं चाहती। बबली फोन उठा ले।